हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कुर्ती का नेक डिज़ाइन बनाएंगे फ्रंट वाला। इस तरह से हमने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। इसकी जो लेंथ ली है 10.5 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई ली है वो 4 इंच ली है। अब हम अपने गले का मेजरमेंट लगाते हैं। हम यहाँ पे अपने गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। नीचे की तरफ हम इसकी लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच की चौड़ाई पर यहाँ भी हम निशान लगा लेंगे। ऊपर से हम इस लाइन को इस तरह से लंबा ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा 1 इंच है। नीचे की तरफ भी हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से शेप देते हुए हम गले की यहाँ पर हम राउंड शेप पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर वी का शेप देकर हम गले की कटिंग करेंगे। इसी शेप में हम इस तरह से अपने बाहर वाले हिस्से का जो लिया था हमने 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। वही शेप इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद हम इस तरह से किनारे पर एक सिलाई से इस कपड़े को पेस्टिंग के ऊपर अटैच कर देंगे। ये हमारी कुर्ती है। हमारे कपड़ा थोड़ा कम था इसलिए हमने दूसरे कपड़े पर यह गला पेस्ट कर लिया जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा। इस तरह से हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए कुर्ती और गले का इस तरह से इस पर किनारे पर एक स्टिच सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल विक्रम के पास पास से हम इस सिलाई को लगाएंगे। हल्के हाथ से जो हमारे गले की गोलाई है वही हम इसमें देंगे। उसके बाद 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ छोड़ते हुए हम इस तरह से गले को कट कर लेंगे और कैंची की मदद से इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमारे गले की फिनिशिंग अच्छे से आए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे गले में और इसे सीधी साइड टर्न करेंगे। अब ये हमारा पान का गला इस तरह से बनकर रेडी। प्रेस से हमने अच्छे से इसको बिठा लिया। अब हम ऊपर से इस तरह से लेंथ लेंगे और 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। हम इस पर लैस अटैच करेंगे। अब ये हमारे पास वाइट कलर की लैस है। इस तरह से हम अपने गले पर रखेंगे किनारी पर और लैस को अटैच करेंगे। ग
गोलाई की तरफ हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से लेस को थोड़ा दबाते हुए अटैच करेंगे। और नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ से लैस को कट कर देंगे। इस निशान पर लाने के बाद अब हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ अटैच करेंगे लैस को। सेम हल्के हाथ से इसी तरफ से गोलाई देते हुए हम लेस को गले की दूसरी साइड में अटैच कर लेंगे। अब हम लेस की दूसरी तरफ एक और सिलाई लगाएंगे, इससे हमारी लेस अच्छी से जा जाएगी। अभी हमारा गला बनकर इस तरह से रेडी हो गया। अब एक और लैस हम इसके ऊपर अटैच करेंगे, जो हमारा जॉइंट आया है इसी के ऊपर लेकर आएंगे। इसके बिल्कुल पास में हम दूसरी, ये हमारे दूसरे डिजाइन की लैस है, इस तरह से इस लैस के पास में हम इस तरह से इसको लगाएंगे। इस तरह से हम लैस को लंबा लेकर आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, दूसरी तरफ घुमा लेंगे इसको। उसके बाद हम सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। सेम इसी गैप में हम इस लैस को लगाएंगे जो हमने पहले अटैच की है। और एक्स्ट्रा हम लैस को कट कर देंगे। लैस के दूसरी तरफ हमें दो सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।